सिंगरौली में फिरौती के लिए कुछ दोस्तों ने ही दोस्त का अपहरण कर हत्या कर दी। 18 अगस्त को युवक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 अगस्त की दोपहर से अपने परिचित साथी के साथ गायब हुए अरमान के पिता को 18 अगस्त को फोन आया कि उसे 10 लाख रुपए भेजे, नहीं तो अरमान को काट कर फेंक दिया जाएगा। घटना से घबराए पिता ने विंध्यनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम सूरजपुर छत्तीसगढ़ के झंझनकुंड जंगल के पास पहुंची, जहां पूरे दिन मशक्कत के बाद लापता युवक के शव को 1000 फीट नीचे से बरामद किया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों के खिलाफ धारा 363, 364, 394, 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। 19 तारीख को सुबह जो बच्चा रियाज अरमान, इसके पिताजी के पास फोन आता है कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है, हम नक्सली बोल रहे हैं और 10 लाख रुपए लेके आप आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चे को मार के फेंक। ये सूचना उन्होंने पुलिस थाने में दी और तुरंत हमने 3-4 टीमों का गठन किया। हमारे एडिशनल SP, हमारे CSP, सभी थाना प्रभारियों को इसमें लगाया, अलग अलग टास्क दिया गया। सब शहर में जितने भी CCTV कैमरे हैं उनके फुटेजेस देखे गए, बच्चे के और उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए। और इसमें उसका एक दोस्त है श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम, उस पर संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए, तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके, और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये सब चीजें देख के इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरेश बैस, इनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें, और वहां ले जाकर के इससे सारा सामान छुड़ा लिया, लूट लिया। और जब इन्हें लगा कि अभी हमें, अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हमें फंसा देगा, तो फिर वो लोगों ने इसको मिलके मारा और खाई में फेंक दिया। इनकी निशादेही पे अरमान का शव बरामद हुआ है, सारी चीजें जो इसकी छुड़ाई गई थी, लूटी गई थी, वो बरामद हो गई। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है और पूरी उसमें 302, 201, 394 धाराएं भी लगाई गई। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।